नमस्कार, मैं जय निवास, टाइम्स लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। और एक लोधी समाज के कार्यक्रम में हमारे साथ केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, उनसे जानते हैं इस समाज के बीच स्वागत समारोह में आने का कारण क्या है। लोधी समाज का यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है, वो समाज में हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, समाज के सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में जो लोग लगे रहते हैं, उन लोगों ने कार्यक्रम किया है। और हमारे खासतौर से घनश्याम सिंह लोधी, जो भाजपा के प्रत्याशी रामपुर के थे और जिसके लिए पूरे देश की निगाहें लगी थी कि यूपी की दो लोकसभा पर चुनाव हो रहा है, रामपुर और राजमगढ़। मैं कह सकता हूं कि वो सपा के लोग कहते थे कि हमारा गढ़ है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज किसी का कोई गढ़ नहीं रह गया है। हमने रामपुर और आजमगढ़ दोनों सीटों पर परचम भाजपा का फहराया है, क्योंकि घनश्याम सिंह लोधी ये समाज के व्यक्ति थे, तो समाज के लोगों में इच्छा थी कि उनका स्वागत सम्मान करें। भाई, उन लोगों ने मुझे बुलाया, मैं दिल्ली में था तो मैं भी आ गया। और समाज में इस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम होते रहते हैं तो जागरूकता आती है। और हम कैसे हम शिक्षित बने, कैसे संस्कारित बने, कैसे समाज को संगठन सिखाया जाए, कैसे राजनीतिक क्षेत्र में काम करें, कैसे सामाजिक क्षेत्र में करें, कैसे माने समाज कैसे आगे बढ़े, इसके लिए इन कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता पैदा करने का काम। लोधी समाज के लोग आज इस कार्यक्रम में, स्वागत समारोह में, न केवल दिल्ली से बल्कि NCR व कई राज्यों से भी आए, उनके बीच क्या कुछ संदेश जाना चाहिए? देखिए, हमने माने बाबूजी कल्याण सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं, उन्होंने जिस तरह से राजनीतिक क्षेत्र में और मैं कह सकता हूँ कि समाज का गौरव बढ़ाने का काम किया था, आज समाज के अंदर इस प्रकार की राजनीतिक सोच जगी है कि हम कैसे आगे बढ़ें। इसके लिए समाज के लोग शिक्षा और शिक्षा के साथ संस्कार, संस्कार के साथ विकास, इस पर पूरी तरह से चर्चा हुई है। तो हम समाज को शिक्षित कैसे बनाएं, संस्कारित कैसे बनाएं, और जो विकास में पिछड़ा समाज है उसे कैसे आगे बढ़ाएं, और जो ऐसे प्रतिभाशाली लोग हमारे समाज में आते हैं उनको कैसे उत्साहित करें, उनका कैसे सम्मान दें, यही कार्यक्रम इसमें। कृषि पर आधारित समाज को आप जैसा बता रहे थे अपने भाषण में कि उनको राजनीति की ओर आना चाहिए, अगर राजनीति की ओर आते हैं तो किस हद तक आना चाहिए, और राजनीति की ओर आएंगे तो जिनका पैसा है उसका क्या होगा? देखिए, कृषि तो सब समाज करते हैं, ये अलग बात है, कृषि हमारा समाज ज़्यादा करता है, लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी कहा कि हमारा समाज बहुत सीधा साधा है, इस समाज में छल कपट नहीं है, ये समाज भोला भाला है, और मैं कह सकता हूँ कि सबसे मेहनती समाज है, सबसे पसीना बहाने वाला समाज है। लेकिन पसीना बहाने के बाद में भी उसका विकास सामाजिक रूप से जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, और हम चिंता कर रहे हैं। माननीय बाबूजी के नेतृत्व में समाज काफ़ी आगे बढ़ा था, वो तो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो लोधी समाज भी आता है तो इसका भी विकास होगा। तो इसी पर चर्चा समाज ने की है, और मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जितना भाजपा मजबूत होगी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उतना ही हमारा समाज मजबूत होगा, क्योंकि भाजपा की पहचान लोधी समाज से है और लोधी समाज की पहचान भाजपा से है। और जैसा कि अपने भाषण में सबसे ज़्यादा शब्द जो उपयोग किया वो था बाबूजी, बाबूजी क्या चीज़ है और बाबूजी के बारे में बताएं, और अभी बीजेपी ने देश में किस तरह शासन कर रहा है, आने वाला 24 में क्या टारगेट और क्या चुनौती है उनके सामने? बाबूजी माने बाबूजी कल्याण सिंह, जो उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री रहे, राजस्थान के राज्यपाल रहे, और आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन भाजपा के लिए यहाँ तक पहुँचाने में उनका भी एक बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि आज वो हमारे बीच में नहीं है, और उनके न रहने पर मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और अपनी केंद्र सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि 26 जनवरी के लिए पद्म विभूषण से सम्मान देने का काम मैंने बाबूजी के लिए किया है। और बाबूजी ने जिस तरह से हम लोगों के लिए आगे बढ़ाया है, राजनीति सिखाया है, हम उनके बताए हुए मार्ग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि बाबूजी का नाम, इस लोधी समाज का नाम, ये समाज हमारा आगे बढ़ाएगा। अंत में ये बताएं सर कि 2024 में बीजेपी का टारगेट क्या होगा और मुद्दा क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिस तरह से काम कर रहा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उसी को हम चरितार्थ कर रहे हैं। आज केंद्र सरकार से जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं
वो जाती हैं बिना किसी भेदभाव के, जाती हैं गरीबों को, जाती हैं सबको, जाती हैं केवल भाजपा के लोगों को नहीं जाती हैं। तो मैं कह सकता हूं कि आज जिस तरह से माननीय मोदी जी ने कभी कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पित, आज गरीब माननीय प्रधानमंत्री मोदी को अपना मसीहा बता रहा है। और 2024 का जहाँ तक सवाल है कि जिस तरह से 2014 हम जीते हैं, उत्तर प्रदेश में 2017 हम जीते हैं, सारे इकट्ठे होने के बाद में भी हम 2019 जीते हैं, और जिस तरह से हम 2022 अभी में जीते हैं, और जिस तरह से उपचुनाव भी हम जीते हैं, हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में पहले हम 282 जीते थे, फिर हम 302 जीते, और हम कह सकते हैं दो तिहाई बहुमत के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। और जिस तरह से देश में ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री उभरे हैं, और देश उनकी, देश ही नहीं दुनिया उनकी ओर देख रही है, और हमारा जो देश है विश्वगुरु बनने की राह पर आगे बढ़ चला है और आगे बढ़ता रहेगा। जी हाँ, जैसा कि उन्होंने 2024 की टारगेट सीढ़ी दर सीढ़ी बता दिया, और यह भी बताया कि जिस तरह प्रधानमंत्री विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं तो उन्हें 2024 में भारत में एक बार पुनः बहुमत से कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल मंत्री जी का ये समाज लोधी समाज और मंत्री जी की सोच कैसा लगा आप कमेंट अवश्य करें। दिल्ली से जय निवास की यह रिपोर्ट। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।